बच्चों हम ये रिवीजन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने इसके चार क्वेश्चन आपको बता दिए थे, ये महात्मा गांधी के योगदान से संबंधित हैं। तब इसमें अगला क्वेश्चन अपन लेंगे, असहयोग आंदोलन किस तरह से प्रतिरोध किया। तो इसमें हम देखेंगे कि प्रतिरोध कैसे था, मतलब जो असहयोग आंदोलन था वो प्रतिरोध कैसे था। तो हमने शुरू में आप लोग को बताया था कि असहयोग आंदोलन से ही समझ में आ रहा है कि हमें किसी प्रकार से अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है, लेकिन उसकी कुछ चीजें जो थी वो हमको किस तरह से प्रतिरोध करना है या किस तरह से असहयोग उनका करना है। तो इस तरह से असहयोग आंदोलन के अंतर्गत एक तरह का प्रतिरोध इसलिए भी था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपे गए रोलेक्ट एक्ट जैसे कानून को वापस लिए जाने के लिए जन आक्रोश और प्रतिरोध व्यक्ति जो है वो लोकप्रिय माध्यम बना था, क्योंकि उसमें यह था किसी भी तरह से केस नहीं चलाया जाएगा और सीधे उनको गिरफ्तार करके उनको फांसी दे दी जाएगी। तो इसलिए उसका विरोध भारतवासी कर रहे थे। फिर असहयोग आंदोलन का प्रतिरोध इसलिए भी आंदोलन था क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज अधिकारियों को कठोर दंड दिलाना चाहते, मतलब अंग्रेज जो थे भारतीय नेता थे उनको कठोर दंड दिलाना चाहते थे और कई महीने के बाद भी दंड नहीं दिया था, मतलब जो सरकार उनके जो कर्मचारी जैसे अमृतसर जलियांवाला बाग में जो घटना हुई थी उसमें अंग्रेज अधिकारियों को लंबे कार्य चलने के बाद भी प्रक्रिया चलने के बाद भी उनको दंड नहीं दिया था। फिर असहयोग आंदोलन में इसलिए भी प्रतिरोध था क्योंकि खिलाफत आंदोलन में सहयोग करके उन्होंने देख लिया था, एक बार सहयोग करके जैसे दो धार्मिक हिंदू और मुसलमानों को मिलाकर औपनिवेशिक शासन के प्रति जनता में असहयोग की अभिव्यक्ति का माध्यम भी था। फिर असहयोग आंदोलन इसलिए भी प्रतिरोध था क्योंकि सरकारी नौकरी उपाधियों अवैतनिक पदों अदालतों सरकारी संस्थाओं आदि का बहिष्कार किया जाना था ताकि इससे उनको हम किसी तरह से उनको सहयोग ना कर सकें। फिर असहयोग आंदोलन में सरकारी अदालतों को बहिष्कार करने के साथ साथ सर्वसाधारण और वकीलों ने भी आह्वान किया था कि इसके उसमें हमें जो पंचायती राज स्थापित किया गया था और सरकारी मतलब पंचायत उसमें ही देसी स्कूल टाइप को हम लोग ने किया था। फिर लोक इस व्यापक में लोकप्रिय प्रतिरोध का प्रभाव अनेक कस्बों नगरों और श्रमिक वर्ग पर भी पड़ा था, मतलब इस असहयोग आंदोलन में एक आम जनता से लेकर बड़े बड़े पढ़ा लिखा वर्ग भी उसमें शामिल हो गया था। असहयोग आंदोलन का प्रतिरोध देश के जो ग्रामीणों में भी दिखाई दे रहा था क्योंकि जो उत्तरी आंध्र की पहाड़ी जनजातियां मतलब कई जो ऐसे थे जो जनजातियां ग्रामीण क्षेत्रों तक भी है पहुंच चुका था। फिर हम देखेंगे गोलमेज सम्मेलन का जो वार्ता हुई थी उसका नतीजा क्यों नहीं निकल पाया था। इसमें सम्मेलन में जो आयोजन किया था 1930 से 31 तक जो सम्मेलन किया गया था यह लंदन में नवम्बर 1930 में आयोजित की गई थी, साथ ही साथ प्रमुख नेता भी उसमें शामिल हुए थे जिसमें बैठक जो है एक निरर्थक साबित हुई थी, जिससे गांधी जी लोगों के हृदय पर भगवान के राम की तरह राज करते थे इस तरह से होने वाली सभा में नहीं पहुंचे और जिससे कि एक रामलीला कैसे हो सकती थी। फिर उसके बाद अगले महीने में वायसराय जो इरविन के साथ साथ गांधी जी की लंबी बैठकें भी हुई थी, लंबी बैठक होने के बाद भी किसी तरह से उसका हल नहीं निकल पाया था। फिर गांधी जी इन संभावित से तो घोषित लक्ष्य प्राप्ति की वार्ताओं आश्वासन भी मिला था लेकिन वह आश्वासन जो है सिर्फ एक दिखावा था, उस आश्वासन को पूर्ण नहीं किया गया था। इस तरह से मुस्लिम लीग में संबंध में कहना था कि भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक क्षेत्र में काम करती है और रजवाड़ों का दावा था कि कांग्रेस उनके नियंत्रण भूभाग पर कोई अधिकार नहीं है। और इसी तरह से तीसरी चुनौती थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तरफ से थी जो बहुत बड़े वकील और वे विचारक थे। फिर देखेंगे महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन स्वरूप को किस तरह बदल दिया था, मतलब ये राष्ट्रीय आंदोलन किस तरह से बना। तो 1919 से 1947 के काल में भारतीय इतिहास में विरोध स्थान विशेष स्थान था, इतिहास में इसका विशेष स्थान था जिसमें महात्मा गांधी ने एक महान विभूति, महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे अस्त्र शस्त्रों के साथ भारतीय रणनीति में प्रवेश किया था, मतलब किसी भी तरह का शस्त्र और किसी भी तरह का वह हिंसा नहीं करना चाहते, मतलब अहिंसा और सत्य को लेकर उन्होंने आंदोलन को शुरू किया था। और इस तरह से यह गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व संभालने के लिए तैयार किया गया था जिससे सफलताओं से यह स्पष्ट कर दिया था कि शांतिपूर्ण अवज्ञा और सत्याग्रह के द्वारा भी विरोधी पक्ष को आंदोलन की मांगे स्वीकार करने के लिए उनको बाध्य किया जा सकता है। इसी तरह से बहुत सारी बात हुई, सत्याग्रह में शाब्दिक अर्थ भी था, सच्चाई और दृढ़ता से अड़े रहना और आगे सत्य अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित होकर हम जो अंगला हमारा अंग्रेजी अधिकार सरकार है उसको हम किस तरह से झुका सकते हैं। इसी तरह से उनका विचार था केवल जमींदार डॉक्टर अथवा वकील ही नहीं बल्कि देश के
स्वतंत्र इन लोग भी नहीं करा सकते, बल्कि उसमें किसकी जरूर आवश्यकता और थी, जन सामान्य में राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में लाना नितांत आवश्यक था, जिससे कि हम इस आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में इस तरह से बदला गया। फिर है निजी पत्रों आत्मकथाओं में किसी व्यक्ति के बारे में क्या पता चलता है। निजी आत्मकथा और निजी पत्रों के माध्यम से उसके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है, या फिर उसे हम अनुमान लगाया जा सकता है कि वह किस तरह के व्यक्ति थे या कैसे थे। तो उदाहरण के लिए हम देखेंगे गांधी जी के पत्रों में उनकी जो आत्मकथा, गांधी जी ने अपनी विचारधारा को समझने के लिए महत्वपूर्ण सहायता मिलती है, जिसमें व्यक्तिगत पत्रों में हमें संबंधित व्यक्ति और विचारधारा का परिचय मिलता है। लेखक अपने क्रोध, पीड़ा, असंतोष, बेचैनी, आशाओं, हताशाओं को व्यक्त कर सकता है, किंतु सार्वजनिक वक्तव्यों में वह ऐसा नहीं करता है। तो गांधी जी द्वारा पत्र जो है हरिजन में लोगों से मिलने वाले पत्रों को प्रकाशित किया था कि वो लोग किस तरह से अपनी हताशा, अपनी पीड़ा, अपनी क्रोध को किस तरह से वे उनको बताते थे। तो इस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने भी राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में अनेक लोगों को पत्र लिखे थे। तो इस तरह से पुराने पत्रों में पुलिंदा में भी एक ऐसा प्रकाशित हुआ जिससे पता चलता है कि 1920 के दशक में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी विचारों से प्रभावित जो है वे होने लगे थे, और जब 1928 ईस्वी जब वे भारत वापस आए थे तो उन्होंने समाजवाद का पर्याप्त प्रभाव जो था, जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव, एनजी रंगा जैसे लोग थे। फिर इसमें 1936 में भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद नेहरू जी फांसीवाद के कट्टर विरोधी हो गए थे, और भी मजदूरों एवं किसानों की मांगों का भी समर्थन करने लगे थे। इस तरह से क्या हुआ, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम जब पढ़ते हैं तो किताबों में, लेखों में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जिससे हमें किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने में आसानी होती है। फिर आत्मकथाओं से भी व्यक्ति के जीवन तथा उसके विचारों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं, जिससे कि उस व्यक्ति के बारे में पढ़ने को, जानने को और उसकी जो व्यक्तित्व की जानकारी मिलने में आसानी हो जाती है। सरकारी विवरों में भी, निजी पन्नों में, आत्मकथाओं में, सरकारी विवरें जो भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि आत्मकथा में वह स्वयं के बारे में पूरा लिखता है, क्या सोचा, क्या किया, कैसे, और जो जो निजी पत्र होते हैं उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो निजी जानकारियाँ पाई जाती हैं। इस तरह से कई रिपोर्टों को गोपनीय रखा जाता है, कई अधिकारी पत्रों को प्रकाशित भी किया जाता है। इस तरह से रिपोर्टों को स्थानीय क्षेत्रों में भी पुलिस से भी प्राप्त होने वाली सूचनाओं के आधार पर भी तैयार किया जाता है। इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं इनके माध्यम से उनके व्यक्तित्व की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये जो है हमने ये सारी जानकारी आपको दी, इसके साथ साथ ये प्रश्नों का उत्तर जो है आप लोग को पढ़ने और कॉपी में नोट करना है।